हेलो एंड वेलकम। मैं शरीफ और ऑल्सो शनवर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। प्रेस के लेक्चर जो एक करंट अफेयर से था, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपका व्यू कमेंट देख के मैं बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था क्लास में कि मैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ यानी EVS के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा, तो उसके सामने बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे UPTET, चाहे Ctet, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स में आप दे रहे हो, वन डे एग्ज़ाम चाहे टू डे एग्ज़ाम चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो सबके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल के सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में तुरंत ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की क्योंकि छाले निकले हुए हैं, तो आप बिल्कुल उसको थोड़ा समझिएगा। तो पहला, आपके सामने जितने भी मैं परियोजना, जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश किया है, जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे तकरीबन 60 प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, तो ये हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो पहला परियोजना का नाम है, यानी पहला प्रोजेक्ट बाघ परियोजना। क्वेश्चन पूछेगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब मानी जाती है, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई, तो 1 अप्रैल 1973। पूछाएगा किसके द्वारा इसे, इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को लाया गया, तो WWF। तो पूछा था इसको, बाघ परियोजना को किसके द्वारा लाया गया, तो WWF। ये बहुत बड़ी संस्था है, वर्ल्ड लेवल पर काम करती है, तो W का मतलब है वर्ल्ड, W एक अगेन W का मतलब है वाइल्ड, F फॉर फंड फॉर नेचर। तो WWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, W फॉर वर्ल्ड, W फॉर वाइल्ड, F फॉर फंड फॉर नेचर। इतनी कोई समस्या नहीं। और अगर बात की जाए कि भारतीय एक बोर्ड था उसके द्वारा भी इसकी स्थापना हुई, तो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा भी इसको गठित किया गया, मतलब कि बाघ परियोजना की शुरुआत की गई भारत में, कब, जो कि 1 अप्रैल 1973 को शुरुआत की गई। अगर पूछा कि भारतीय वन प्राणी बोर्ड के द्वारा कब इसकी इसको गठित किया गया, तो ये भारतीय वन प्राणी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1970। तो क्वेश्चन पूछाएगा, अगर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1970 में। अगर पूछाएगा कि इस बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 अप्रैल 1971 में, किसके द्वारा, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। एक सेकेंड, जैसा कि जानते हैं थोड़ी सी गर्मी, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा परियोजना का नाम है हाथी परियोजना, दूसरी परियोजना का नाम है हाथी परियोजना। तो क्वेश्चन पूछेगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो हाथी परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992। क्वेश्चन पूछेगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 दिसंबर 1992 में हुई। अगर बात की जाएगी कि कहाँ से हुई, किस राज्य से, तो भारत के किस राज्य से हुई, तो झारखंड, तो झारखंड के। अगर पूछेगा किस जिले से, तो सिंहभूम जिले से। तो क्वेश्चन पूछाएगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 7 दिसंबर 1992 में, किस राज्य से हुई, झारखंड, और किस जिले से हुई, तो सिंहभूम जिले से हाथी परियोजना की शुरुआत हुई। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश किया हूँ, एक एक क्वेश्चन जो आ सकते हैं पूरा इंपॉर्टेंट मैंने किसी किसी से कलेक्ट करके सुव्यवस्थित ढंग से मैं कोशिश करता हूँ। आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखा करिए, और आपका कमेंट, आपका लाइक शेयर मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है, और मुझे और ही ऊर्जावान स्फूर्ति प्रदान करता है। तीसरी परियोजना का नाम है हांगुल परियोजना। तीसरा परियोजना का नाम क्या भी है, हांगुल परियोजना। क्वेश्चन पूछेगा हांगुल परियोजना की शुरुआत कब, किस वर्ष हुई, तो 1970 में हुई, कब हुई, 1970 में। क्वेश्चन पूछाएगा ये किस प्रजाति के लिए जाना जाता है, तो यूरोपीय रेंडियर प्रजाति, जो कि किसके, किस जंतु को प्रदर्शित करता है, तो हिरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भैया, हिरण को प्रदर्शित करता है। तो हिरण की एक प्रजाति थी जो यूरोपीय थी, मतलब यूरोप की एक रेंडियर प्रजाति का एक हिरण था इसमें। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि हांगुल परियोजना का संबंध किस जंतु से है, तो हिरण से है। इसके, इस परियोजना की शुरुआत कब से की गई, 1970 में। क्वेश्चन पूछेगा हांगुल परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, तो दाची गाम
राष्ट्रीय उद्यान यानी दाचीगाम नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन पूछेगा हांगुल परियोजना की शुरुआत किस नेशनल पार्क से हुई, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। एक सेकेंड, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अधिकतर यही पूछा जाता है कि ये मानस राष्ट्रीय पार्क या दाचीगाम या केवला देव ये सब किस राज्य में स्थित हैं। तो अगर पूछा गया दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है स्थित है, तो जम्मू जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो जम्मू एंड कश्मीर में। पूछा गया इसकी स्थापना हांगुल परियोजना की स्थापना कब हुई, तो 1970 में हांगुल परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से हुई, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से ही हांगुल परियोजना की शुरुआत हुई। जो कि किस जंतु के लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई, तो हिरण के लिए। अब दूसरा प्रोजेक्ट है यानी दूसरा परियोजना है योजना है, देखिएगा ध्यान से, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। अच्छा बताइए, संरक्षण से याद आया, ये सब योजना या परियोजना जो भी सारी चीज़ें हैं, ये प्रोजेक्ट जो है, परियोजना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, बाघ प्रोजेक्ट क्यों आया, क्योंकि बाघों की संख्या में आप जानते हैं गिरावट बहुत तेज़ी से हुई, इसीलिए बाघ परियोजना लाया गया। हाथी परियोजना का भी ऐसे ही, हाथी परियोजना जीवों की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हांगुल परियोजना में हिरण की भी क्या हो रही है, लोग हंटिंग कर दिया करते हैं या एटमॉस्फेयर उनके लिए अनुकूल नहीं होता है, यानी मानव हस्तक्षेप जो होता है उसके कारण जो दिक्कतें आती हैं जीवों के साथ, तो उसके लिए प्रोजेक्ट की स्थापना होती है जिससे जीवों को संरक्षित किया जा सके, मतलब कि देखभाल किया जा सके। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा चौथा प्रोजेक्ट का नाम है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछेगा गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट किस विभाग द्वारा किया गया, तो ये हरियाणा वन विभाग द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया, हरियाणा वन विभाग द्वारा किया गया। और किसके द्वारा किया गया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा गिद्ध प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण मतलब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो इसकी शुरुआत मतलब कि ये किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया, तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री द्वारा किया गया। अगर पूछा गया कब किया गया गिद्ध प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो 2006, कब किया गया, 2006 में। दूसरा चीज़, अब जानते हुए मैंने पढ़ाया था, एक वीडियो बनाया था दिवाली के समय, मुझे आज भी याद है दिवाली के समय था, मतलब नेपाल, आपने सुना होगा नेपाल का नाम, किसका, नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारा भारत और पाक, इन 10 सालों में, मैंने बताया था 10 सालों में जो डेटा आया था लगभग 8.5 करोड़, कितने करोड़, 8.5 करोड़ लगभग गिद्ध जो क्या है विलुप्त हो चुके हैं। तो जानते होंगे क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिद्धों की संख्या में अचानक घटौती या गिरावट किस कारण हो रही है, किस रसायन द्वारा हो रही है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम, तोड़ के पढ़िए, तो किस रसायन द्वारा मुख्यतः हो रही है, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम। अगर ये नहीं आएगा ऑप्शन में तो किस पे लगाएंगे आप, वैसे अधिकतर पेपर में यही आते हैं, सेटअप किए जाते हैं। क्या होता है कि मैंने बताया था पशुओं की अगर तबीयत खराब होती है तो उनके दर्द निवारक के लिए दर्द निवारक दवा दी जाती है, जिसमें उस दवा में क्या मिला होता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। अब क्या होता है अगर मान लीजिए वो जीव सर्वाइव नहीं कर पाया यानी मर गया दवा इलाज कराते कराते, तो वो डाइक्लोफिनेक सोडियम उसके बॉडी में रहता है। अब उस जानवर को फेंक दिया गया, अब उस जानवर को खाने के लिए कौन आएंगे, गिद्ध आएंगे। अब गिद्ध खाया गया तो उसके जानवर में बॉडी में क्या था, डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो एक महीने में ये जान ले लेता है, अगर जैसे गिद्ध ने खाया उसके एक महीने के अंदर गिद्ध क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सॉरी, अब देखिएगा ध्यान से, अगर पूछेगा दूसरा कौन सा रसायन है, तो नॉन स्टेरॉयडल, देखिए क्या नाम है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो दूसरा रसायन का नाम क्या था जिससे गिद्धों की संख्या में क्या हुई, गिरावट आई, तो उसका नाम था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो दूसरा ड्रग का नाम क्या था, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और पहला मुख्यतः कौन सा होता है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। इतनी कोई समस्या नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर बात की जाए लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई,
तो इसकी शुरुआत कब मनाई जाती है, तो 1996 में। कब मनाई जाती भैया, 1996 में। और पूछा गया किसके सहयोग से किया गया, तो WWF, जैसे मैंने बताया WWF का फुल फॉर्म क्या, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। तो इसकी लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कब से हुई, तो 1996 में, तो उस पर टिक लगाएंगे। किसके द्वारा, किसके सहयोग से की गई, तो WWF के सहयोग से, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन से की गई। और इसकी स्थापना और किसके द्वारा की गई भारत में, तो भारत में पद्म जनायडू क्या है, एक हिमालयन जंतु पार्क है, क्या है, हिमालयन जंतु पार्क है, इसका नाम क्या है, पद्म, तोड़ के पढ़िए, पद्म जनायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा किसी स्थापना, किसकी, किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, तो लाल पांडा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यानी परियोजना की शुरुआत की गई। अब इसकी देखिए लाल पांडा परियोजना की क्या की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन पूछाएगा किस राज्य में, भारत किस राज्य में लाल पांडा को कैट बियर के नाम से जाना है, तो लाल पांडा को किस राज्य में कैट बियर के नाम से जाना है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग लाल पांडा को लाल पांडा नहीं बोलते हैं, रेड पांडा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैट, कैट बियर बोलते हैं। इतनी कोई समस्या नहीं, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात, तो इस दूसरा प्रोजेक्ट की बात है घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना, घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना। आगे क्वेश्चन पूछा कि इसकी शुरुआत कब से की गई, तो 1975 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो भारत सरकार द्वारा की गई। साथ साथ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, घड़ियाल की संख्या बहुत ही दिन प्रतिदिन बहुत ही घटती जा रही थी, इसके लिए 1975 में घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना का शुरुआत किया गया, घड़ियाल प्रोजेक्ट योजना का शुरुआत किया गया, जिसमें भारत सरकार तथा UNDP सामने आया। साथ में कौन आया, भारत सरकार और UNDP। अगर बात की जाए UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यू का मतलब यू मीन्स यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके द्वारा किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, तो घड़ियाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कब की गई, 1975 में। अब पूछा जाएगा कहाँ की गई, तो ये इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई, तो उड़ीसा में की गई। कहाँ की गई, उड़ीसा में किया गया। अब पूछा गया उड़ीसा के कहाँ से शुरुआत किया गया, तो तिकरपाड़ा पार्क, नेशनल पार्क है, तिकरपाड़ा पार्क से इसकी शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा घड़ियाल प्रोजेक्ट की स्थापना या शुरुआत कब हुई, 1975 में, किसके द्वारा, भारत सरकार तथा UNDP द्वारा। किस राज्य में हुई, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के किस पार्क में, तो तिकरपाड़ा पार्क में। तो तुमको समस्या, अब तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह है, तो वैसे क्या है, UPSSSC अधिकतर UP से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यूपी में कहाँ पे, यूपी में, यूपी की राजधानी आप जानते होंगे लखनऊ है। यूपी के लखनऊ में कुकरैल पड़ता है, कुकरैल के नाम से। तो कुकरैल में भी घड़ियाल, आप जाएंगे वहाँ पे सफ़र करेंगे तो कुकरैल लिखा होगा, बोर्ड बना हुआ है। यहाँ पे किसका, किसकी, किसको कंजर्वेशन किया था, संरक्षण किया था, देखभाल, तो घड़ियाल को देखभाल किया था। इतनी कोई समस्या नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। अगर बात की जाएगी कि बात की जाए गैंडा परियोजना, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो क्या नाम है, गैंडा परियोजना। तो आप जानते होंगे एक सिंह वाला गैंडा, आपने बहुत क्वेश्चन में सुना होगा, एक सिंह वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो किस वन अभयारण्य में स्थित है, तो काजीरंगा में। तो क्वेश्चन पूछेगा एक सिंह वाला गैंडा भारत क्या विश्व में किस जगह, किस देश में है, तो भारत में। भारत किस राज्य में, तो असम में, यानी काजीरंगा कहाँ पड़ता है, असम में। तो एक सिंह वाला गैंडा किस वन अभयारण्य में देखने को मिलेगा, तो काजीरंगा में। काजीरंगा कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में, तो असम में। अगर पूछेगा गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई, तो 1987 में इसकी शुरुआत की गई। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि गैंडा परियोजना कहाँ कहाँ और भी जगह है, तो मानस अभयारण्य में भी गैंडा को संरक्षित किया जाता है, यानी गैंडा का देखभाल किया जाता है। साथ साथ, अच्छा मानस भी कहाँ स्थित है, तो असम में। तो काजीरंगा हो गया, क्या हो गया, काजीरंगा और मानस, ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो असम में स्थित हैं। अगर बात की जाएगी दूसरे, एक जगह और है जालदा पारा, क्वेश्चन वैसे भी पूछा था कि जालदा पारा वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, जो कि ये भी किसके लिए है, गैंडा परियोजना के लिए भी इसमें क्या करता है, गैंडा को संरक्षित किया जाता है, मतलब कि क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे उनकी संख्या में गिरावट हो रही है, उसको, उस पर नियंत्रण किया सके। तो गैंडा परियोजना कहाँ कहाँ चलाई जा रही है, काजीरंगा जो कि असम में है, मानस वो भी असम में, और जालदा पारा कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे गैंडा का क्या होता है,
संरक्षित किया जाता है, मतलब कि देखभाल किया जाता है। अब साथ साथ मैंने यहाँ पे लास्ट में मैंने एक चीज़ मैंने आपको और बता देता हूँ, बताने की कोशिश की है। यहाँ पे हाथी अगर पूछेगा, हाथी संरक्षित क्षेत्र, हाथी संरक्षित क्षेत्र, तो क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाथी को संरक्षित किया जाता है, मतलब कि देखभाल उनको उनकी संख्या में गिरावट ना हो उसके लिए वन अभयारण्य या नेशनल पार्क किए गए हैं, खोले गए हैं। पहला नाम क्या है? पेरियार। पूछेगा कि पेरियार अभयारण्य कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। तो पेरियार अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। पूछेगा यहाँ पे किसको संरक्षित किया जाता है, तो हाथी को संरक्षित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से अगर पूछा जाए हाथी को संरक्षित किया जाता है, तो आप अगर पेरियार अभयारण्य आ गया तो उस पर लगा सकते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, केरल में। अगर बात की जाए दूसरा कौन सा है जो हाथी को संरक्षित करता है, तो राजाजी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, जो वहाँ पर भी क्या होता है, हाथी को संरक्षित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्नामलाई की पहाड़ी भी आपको सुना होगा, केरल तमिलनाडु में मिलेगी। तो अन्नामलाई शासक जो पहाड़ी होने के साथ साथ क्या है, अभयारण्य भी है, अभयारण्य भी है, सेंचुरी भी है, जो कि भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा, केरल और तमिलनाडु में मिलेगा। ये भी किसके लिए है, हाथी संरक्षित क्षेत्र में आता है। किस संरक्षित क्षेत्र में आता है, तो ये हाथी संरक्षित क्षेत्र में आता है, इतनी कोई समस्या नहीं। इसके साथ साथ आप जानते होंगे, बता दूँ आपको, कार्बेट भी, जिम कार्बेट भारत का पहला, कार्बेट क्या है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, यानी यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा अगर बात की जाए इसका पूरा नाम क्या था, जिम कार्बेट, क्या नाम था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत का पहला नेशनल क्या है, नेशनल पार्क है। अगर बात की जाए इसका पूर्व नाम क्या था, तो इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, क्या नाम था भैया, इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। अगर बात की जाएगी कि हेली नेशनल पार्क पूछा गया इससे इसका पूर्व नाम क्या था जिम कार्बेट का, तो हेली नेशनल पार्क जो कि कहाँ स्थित है, यूनाइटेड किंगडम ना समझिएगा, उत्तराखंड में है ये स्थित जिम कार्बेट, इसका पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क। पूछा गया ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो जिम कार्बेट अर्थात क्या बोल सकते हैं, पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। इससे कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो गंगा की सहायक नदी है, यहाँ से हेली नेशनल पार्क अर्थात मतलब जिम कार्बेट से एक गंगा की सहायक नदी राम गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा जिम कार्बेट से गंगा की कौन सी सहायक नदी गुजरती है, ये कौन सी नदी गुजरती है, तो राम गंगा, इसी का पानी इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क में दिया जाता है। इतना आपको पूरा समझ में आया होगा। साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ, हाथी के लिए मानस भी माना गया है, मानस और काजीरंगा, ये भी माना जाता है कि हाथी संरक्षित क्षेत्र मानस भी है, काजीरंगा, जो कि दोनों कहाँ पे हैं, असम में। तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी आज, स्वेटिंग हो रही थी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना मूल्यवान कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड गो अहेड।